हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के। पहले आपको इंट्रोडक्शन समझाएंगे और फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए, कम टाइम में ज्यादा समझाना यही है हमारे वीडियो का पर्पस। तो चलिए फटाफट से टाइम बर्बाद करे बिना एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो डियर देखिए, अभी आपने देखा होगा 5.2 ज्यादा मुश्किल नहीं थी, 5.3 भी कंपैरेटिवली आसान थी, 5.4 भी आसान थी। बट जो डिफरेंशिएबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है वो 5.5 से स्टार्ट होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5.5 एंड 5.6 आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाली एक्सरसाइज में ऐसा क्या खास है? अभी तक आप जितने भी डिफरेंशिएशन थे वो डायरेक्ट कर रहे थे। यहां पर क्या होगा बच्चों, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाएगा, है ना, या कॉन्स्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए, दोनों चीजें ध्यान से सुनिएगा। वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए, ये इस एक्सरसाइज का की पार्ट है। जब भी ऐसा होगा आप उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले पाएंगे। रीजन आप देखिए, x की पावर n वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, e की पावर x कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वो भी फिक्स एक ही दे रखा है आपको, a की पावर x कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसमें भी a की पावर है। वैसे तो इन दोनों के जो डेरिवेटिव है वो भी इसी टॉपिक की मदद से ही निकाले गए हैं, ठीक है। तो जनरली अगर कभी भी पावर में वेरिएबल आ जाए, दिस टेक्निक इज द बेस्ट, राइट, टू टेक अ डेरिवेटिव। अगर आप इन दोनों के फॉर्मूले भूल गए हैं तो भी आप इस टेक्निक से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जनरली वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, इसमें तो 100% यू हैव टू अप्लाई लॉग, विदाउट लॉग यू कैन नॉट फाइंड आउट द डेरिवेटिव। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, तो वो प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, तो मैं अभी आपको समझाऊंगी। आप बेशक इसे थोड़ी देर के लिए पॉज करके ये सारे फॉर्मूले याद कर लो, नोट कर लो, और उसके बाद एक्सरसाइज को समझने बैठो, और फिर समझने के बाद अपने आप से ट्राई करो, कोई दिक्कत आए तो फिर से आके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने समझनी है। लॉग ए की पावर बी, है ना, लॉग ए की पावर बी। अच्छा, कई बच्चों के मन में ये सवाल आता है, ये ए की पावर एक्स और लॉग क्या है, मैम समझ में तो आता नहीं है, बस आ गया है हमारे पास। तो डियर जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत टफ होती है। खास तौर पर अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 1/17 निकालो, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो लॉग टेबल आपके पास बना हुआ है। वैसे तो बहुत पहले 9th क्लास में भी सिखा दिया जाता था लॉग का जो भी कंसेप्ट था, बट बहुत पहले ही डिलीट कर दिया गया है, तो आप आगे जाकर ही सीखेंगे जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे लॉग क्या है, ई क्या है। लॉग और ई का आपस में लेना देना है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है लॉग और ई, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल आपने याद रखना है कि कैलकुलेशन आसान करने में मदद करता है लॉग और ई। ऐसी पावर्स, फ्रैक्शनल पावर खास तौर पे, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 1/15, भाई 2 की पावर 15 तो निकाल लेंगे, 1/15 बच्चों से हाफ निकालने में पसीने छूट जाते हैं, यानी स्क्वायर रूट, तो 1/3, 1/4, 1/5, 1/15 तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है। लेकिन लॉग ने ये सारा काम ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। तो चलिए प्रॉपर्टी देखते हैं, लॉग ए की पावर बी, कभी भी आपको ये नजर आए तो जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत यूज होगी। लॉग ए माइनस लॉग बी, रिमेंबर दिस थिंग, दो लॉग अलग अलग होने चाहिए, ये नहीं लॉग ए माइनस बी, ये नहीं लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, सेम लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, एंड लॉग ई इज ऑलवेज 1 एंड लॉग 10 इज ऑलवेज 1, लॉग 100 इज 2, लॉग 1000 इज 3, इसका मतलब जितने जीरो उतने नंबर्स, राइट। एक और चीज, अगर मान लीजिए ई की पावर एक्स है और यहां पर आपके सामने 5 लिखा है, तो मैंने अभी आपको बताया e और log बेस्ट फ्रेंड है, जैसे कोई भी चीज लेफ्ट से राइट में जाती है तो अपना फेस बदल देती है, सेम e करता है। e यहां लेफ्ट में है, अब ये राइट में जाएगा ना तो ये x को नीचे छोड़ देगा और वहां जाते ही अपना फेस चेंज करके log बन जाएगा, तो ये उल्टा भी पॉसिबल है। log जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, e, ये बहुत काम की चीज है, इसे जरूर याद रखिएगा। e जैसे ही राइट साइड पे गया log बन गया, लॉग वापस आएगा वो क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इस्तेमाल होता है, खास तौर पे जो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है आप लोगों का इंटीग्रेशन, उसमें तो डेफिनेटली यूज होने वाला है। चलिए डियर, तो इंट्रोडक्शन हो गया इसका, मेन चीजें वो नोट कर ली, अब देखो एक्सरसाइज एक एक करके समझाएंगे, जरूर समझ में आएगा। और अगर आपको सच में ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो बस एक सपोर्ट करिएगा प्लीज, 5 सेकेंड लगेंगे या 10 सेकेंड लगेंगे, एक लाइक कमेंट या शेयर करने में, इसे शेयर जरूर करिएगा, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं, चाहे एक फ्रेंड को शेयर करिएगा, यही आपकी तरफ से हमारे लिए इस पर्टिकुलर एजुकेशन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1।
देखिए वैसे तो तीन का प्रोडक्ट रूल भी है. क्या है तीन का प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड थर्ड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट थर्ड एज इट इज, और थर्ड का डेरिवेटिव फर्स्ट थर्ड एज इट इज. और मजे की बात यह है कि इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर थ्योरम को दिखाता है. लेकिन लॉग एक ऐसी चीज है बच्चों जो आपकी हर चीज को आसान बनाती है. अब यहां पर अगर दो चीजें होती तो मैं प्रोडक्ट रूल बड़े आराम से लगा लेती. लेकिन अगर अब आप देखेंगे, अब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो आप देखिएगा लॉग कैसे मदद करता है. तो चलिए अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स, ये हो गया लॉग वाई. और पूरे पर एक ही लॉग लगेगा, ये बात जरूर याद रखनी है. तो कॉस एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस थ्री एक्स. अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, अभी अभी मैंने आपको बताया लॉग ए इंटू बी क्या बन जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी. ध्यान से समझना, अगर हमारे पास लॉग ए इंटू बी इंटू सी आ जाए तो इसका रिजल्ट होगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी. इज इट ओके? यही हम यहां करने वाले हैं. तो ये क्या आ गया आपके पास, लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी. हमने आपको दो में प्रॉपर्टी सिखाई थी, तीन पे भी वही एप्लीकेबल है. अब आप इसका डेरिवेटिव लीजिए बच्चे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ लॉग वाई, हमें तो वाई का डेरिवेटिव पता है, कोई बात नहीं. लॉग सॉरी, हमें लॉग एक्स का डेरिवेटिव पता है, इसे लॉग एक्स मान लो. तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन जो भी यहां चीज है ना. अब क्योंकि इसने एक्स की जगह ली है तो इसका डेरिवेटिव. नाउ वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स. सेम लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन एक्स. फिर इस चीज ने एक्स की जगह ली है ना तो इसका डेरिवेटिव लो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स. और डायरेक्ट करना सीखो अब, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, दिस इज एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन एक्स. किस चीज ने एक्स की जगह ली, कॉस ने, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स. बट प्रॉब्लम, कॉस एक्स का भी अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो यहाँ एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा लेना पड़ेगा. तो टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, टू. ठीक है, सेम यहां पर आ जाओ, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन एक्स. एक्स की जगह किसने ली, कॉस ने, चलो कॉस का डेरिवेटिव ले लेते हैं, साइन थ्री एक्स. लेकिन सेम कॉस एक्स होना चाहिए था, उसकी जगह क्या है, थ्री एक्स, तो उसका दोबारा ले लो. तो सिंपल सी बात है, पहले लॉग का डेरिवेटिव, फिर कॉस का डेरिवेटिव, फिर थ्री एक्स का डेरिवेटिव. तो लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थ्री एक्स, और थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री. राइट, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया बच्चों. ये y वहां चला जाएगा, y आ जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन गया, माइनस टेन एक्स, माइनस टू साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स, टेन टू एक्स, माइनस थ्री सेम टेन थ्री एक्स. लास्ट स्टेप मत भूलिएगा, y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी ये पुट करना नहीं भूलना आपने. तो y की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. यहां पर आ गया कॉस एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस थ्री एक्स, एंड देन हमारे पास रह गया माइनस टेन एक्स, माइनस टू टेन टू एक्स, माइनस थ्री टेन थ्री एक्स. राइट, तो आई होप क्वेश्चन नंबर वन क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ. अब डियर अगर आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, अगर एनसीईआरटी से आंसर मैच करना चाहते हैं, तो इसमें से क्या कॉमन ले लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया, देन इट्स फिनिश. राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं. चलिए देखिए, इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने की कोशिश करेंगे तो भाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. लॉग देखिए कितना आसान कर देगा. सबसे पहले तो रूट की जगह लगा दो हाफ, रूट की जगह लिखो, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ ही तो होता है. तो पूरे की पावर हाफ, राइट. अब मैं आपको बता रही हूं, अगर कभी भी इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखे, लॉग आपकी 100% मदद करेगा. अगर आप ऐसे डेरिवेटिव लेते हो तो क्या लेते, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, फिर अंदर वाली चीज में दोबारा क्वेश्चन रूल लगाते, वो तो जाता उससे डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं. बट लॉग कैसे आसान बनाएगा वो देखेंगे. बिना लॉग के भी ये क्वेश्चन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट, ये पूरा लिखोगे, फिर इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इनको अंदर मल्टीप्लाई, और दोनों में क्या लगा दो, क्वेश्चन रूल. बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अब देखिएगा लॉग क्या करेगा, लगा दो लॉग बोथ साइड, अभी स्टार्टिंग में ही लॉग लिखोगे आप, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड. तो आ गया लॉग एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री,
एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव की पावर हाफ। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कराई, कौन सी प्रॉपर्टी? देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है, लॉग ए की पावर बी। बी क्या होता है? आगे आ जाना है। सेम यहां पर ये बी है, लॉग ए की पावर बी, बी आगे आ गया, ये हो गया लॉग वाई, हाफ आगे आ गया लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन में। अब इस फंडे को ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लाई में अगर होगा तो लॉग प्लस में टूटेगा। दिस इज ए, दिस इज बी, सी डी ई लाइक दिस। तो ये इनटू में है तो प्लस में टूटेगा, और ये डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। ये देखो ये जो डिवाइड वाला होता है कब जाता है? जब माइनस लॉग होता है, और जब इनटू होता है तो क्या खुल जाता है आपके पास? प्लस। इतना याद रखो कि इन दोनों के बीच में हम क्या खोलेंगे? प्लस, बिकॉज ये दोनों इनटू में, और ये दोनों डिनोमिनेटर में चले गए ना, ये देखो बी, तो इसका खुलेगा माइनस लॉग। इन तीनों का माइनस में क्या आएगा हमारे पास? लॉग वाई हाफ, ब्रैकेट बनाओ, लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू। पर इन तीनों के लिए नेगेटिव, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तीनों पे अलग अलग लॉग लग जाएगा लेकिन नेगेटिव में, राइट? चलिए अब आप बड़े आराम से इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। लॉग वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई, इसने एक्स की जगह ली है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? डी वाई बाय डी एक्स। नाउ हाफ एज इट इज। सेम लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन एक्स माइनस वन। इन टू में आपको एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्यों? लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमें पता था, एक्स की जगह इसने ली है। तो चलिए एक्स का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव जीरो, तो वन माइनस जीरो इज वन। सेम आगे चलते हैं, लॉग एक्स मानकर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, बट इसने एक्स की जगह ली है तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो वन आ रहा है बच्चों। सेम लॉग एक्स माइनस थ्री आ गया एक्स माइनस थ्री, इसका दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो वन। लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स माइनस फोर, इसका दोबारा डेरिवेटिव लोगे एक्स का वन और फोर का जीरो। सेम यहां पर, सॉरी फाइव है ये, वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। अब आपने क्या करना है? लास्टली वाई वहां चला जाएगा तो यह आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू, और वाई आपके पास इन टू में, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों? हमने y की जो ओरिजिनल वैल्यू है, बाकी एज इट इज छोड़ दीजिए। देखिए इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा काम क्या है? हमें डिफरेंशिएट करने को कहा है, हमने करा है, डेफिनेटली करा है। अब आपने क्या करना है? y की जो वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी आपके पास y की? दिस वन। ये वैल्यू बस आपने यहां पर रिप्लेस कर देनी है, आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। और अगर आपको लगता है नहीं मैम हमें तो करना है एलसीएम, तो करिए भाई, दो दो लेकर एलसीएम कर लीजिए, या तीनों एलसीएम ले सकते हैं तो कर लीजिए, जैसा भी आपको बढ़िया लगे। पर हमारे अकॉर्डिंग आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाई की वैल्यू डालना मत भूलिएगा, वो सबसे जरूरी चीज है, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री। अब देखिए यहां से वो मेन चीज स्टार्ट हो गई, इसको तो आप बिना लॉक के कर ही नहीं सकते। मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन फिर भी ऐसे थे जिन्हें आप बिना लॉक के कर सकते थे, बट लॉक ने उन्हें कंपैरेटिवली आसान बना दिया था। लेकिन ये वाला तो बिना लॉग के होगा ही, क्यों? हमने आपको पहले ही बता दिया था वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ लॉग से होता है। तो चलिए लगा दीजिए लॉग बोथ साइड, तो अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, तो ये तो आपके पास लॉग वाई है। अब ध्यान से सुनिएगा, लॉग ए की पावर बी, लॉग ए की पावर बी। आप एक काम जरूर करिए, जिस भी पेज पे आपने वो जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले लिखवाया उसको अपने साथ रखो, ताकि आपको याद रहे जो मैं बोल रही हूं। तो लॉग ए की पावर बी बताया था मैंने, क्या होता है लॉग ए की पावर बी? दैट इज बी लॉग ए, यानी पावर आगे आ जाती है। सेम यहां पर करेंगे, पावर आगे आ गई लॉग, ये उसका ए है। अब हमें क्या करना है बच्चों? डेरिवेटिव लेना है। एक बार पावर आने के बाद कोई दिक्कत नहीं, हम डेरिवेटिव लो। नाउ लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? वन अपॉन वाई। अब y की जगह किसने ली है? x की जगह किसने ली थी y ने, बिकॉज हमें तो log x का डेरिवेटिव आता है ना, log y का नहीं, तो हमने इसको log x मानकर पहले इसका 1 upon x डेरिवेटिव ले लिया। अब क्योंकि x की जगह पर इसका दोबारा ले लू dy by dx, ठीक है। इन दोनों में लगेगा बच्चों प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, सेकेंड एज इट इज प्लस, सॉरी अब इसका डेरिवेटिव लॉग एक्स, दिस इज एक्स, तो वन अपॉन एक्स हो गया। अब क्योंकि इसने एक्स की जगह ली है तो इनटू में इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन, ध्यान से समझो,
log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x की जगह ये है, अब क्योंकि x की जगह ये था तो उसका डेरिवेटिव दोबारा 1 अपॉन x, क्लियर है मेरी बात, इनटू में फर्स्ट एज इट इज, बस हो गया हमारा काम। हमने क्या करना है, dy by dx, यहां पर हमने ट्रांसफर करा y, नाउ दिस इज माइनस साइन x log log x प्लस, ये आपके पास cos x न्यूमरेटर में है, अपॉन में x log x, क्या नहीं भूलना, y की वैल्यू डालना मत भूलना, क्योंकि y आपके पास लास्ट में जरूर यहां पे पुट होना चाहिए, तो log x की पावर cos x, तो अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी से आपका आंसर मैच कर जाएगा। मेन देखिए आंसर मैच करना नहीं होता, मेन होता है कंसेप्ट समझना, तो कई बार हमसे छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है बिकॉज ये हमारी वीडियोस एडिटेड नहीं होती, एक ही बार में आप लोगों को समझाया जाता है वही आप लोगों के सामने आ जाता है, तो कई बार हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है उसके लिए हम बहुत सॉरी फील करते हैं, बट मेन चीज ये देखिए कि आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत ना आए। हाँ कंसेप्ट कोई गलत हो जाए तो जरूर हमें हाईलाइट करिएगा क्योंकि वो बहुत बड़ी एरर होता है। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है, आई होप इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना रही। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी में इसे आगे लिख दिया जाएगा और इसे पीछे लिख दिया जाएगा तो उसमें ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहां पर आपके पास थोड़ा सा और डिफरेंट आ गया। अब क्या डिफरेंट आ गया भाई, मैम इतना ही पहले डिफरेंट चल रहा था, अब यहां पर आप लॉग वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल तो देख रहे हो, यानी लॉग तो लगेगा लेकिन आप यहां डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते मैम, अगर आप यहां डायरेक्ट लॉग लगाते हैं बच्चों तो ये बन जाएगा लॉग वाई और ये बन जाएगा log x की पावर x माइनस टू साइन x। अब बच्चों को लगता है कि आप इस पे अलग अलग log अप्लाई कर सकते हो तो उन्हें गलत लगता है बिकॉज मैंने आपको कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं बताई कि log a माइनस बी इक्वल टू log a माइनस log b, रॉन्ग बिल्कुल गलत नहीं है वो प्रॉपर्टी, ठीक है, तो यहां पर काम खराब हो जाएगा। ठीक है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को दो क्वेश्चन ट्रीट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको ले लिया u और इसको ले लिया v, ठीक है, टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड x, तो dy by dx, जब y का डेरिवेटिव dy by dx होता है तो u का डेरिवेटिव du by dx होता है, v का डेरिवेटिव dv by dx होता है, क्लियर। चलिए अब हमें क्या करना है, अगर हमें dy by dx निकालना है तो हमें ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी और यहां पुट करनी पड़ेंगी तो हमारा dy by dx कंप्लीट होगा। तो चलो u ले लेते हैं x की पावर x और यहीं पर साथ में v भी ले लेते हैं। अब लगा दीजिए log बोथ साइड, लगाना तो कंपलसरी है क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो चलिए log लगा देते हैं, log u दैट इज log x की पावर x। नाउ log a की पावर b क्या होता है बच्चों, x आगे आ जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा। अब आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हो, नाउ वन अपॉन यू का डेरिवेटिव, सॉरी log u का डेरिवेटिव वन अपॉन u है ना, log x का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन x, क्योंकि इसने x की जगह ली है तो हम इसे छोड़ेंगे थोड़ा ना, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा du by dx। यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट टू, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज प्लस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x सेकंड एज इट इज, तो ये से कट गया। नाउ du by dx क्या आ गया, u इधर आ जाएगा तो आप डायरेक्ट u की वैल्यू भी रख सकते हो और ये सब ब्रैकेट में चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया du by dx। तो हमारा फर्स्ट पड़ाव क्लियर है, सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। चलिए 2 साइन एक्स, यहां पे भी आप लॉग लगा सकते हैं, नहीं तो आप a की पावर x समझकर भी इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, राइट। तो अगर आप समझ पा रहे हैं a की पावर x तो बहुत बढ़िया है, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहां पे लॉग इतना जरूरी नहीं है, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a, अब जिस चीज ने x की जगह लिया उसका डेरिवेटिव दोबारा दैट इज cos x, तो हमारे पास dv by dx आ गया 2 sin 2x log 2 cos x। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है du by dx और dv by dx की, इसे उठाकर हमें इनकी पोजीशन में प्लेस करना है, दैट्स इट। तो आप क्या करोगे, आप ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, यानी हमारे पास dy by dx किसके इक्वल आ गया, du by dx दैट मीन्स दिस माइनस dv by dx। आप इसको लॉग लगाकर भी कर सकते थे, तो लॉग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जिन क्वेश्चन को आप पहले नॉर्मल तरीके से कर रहे थे वो भी आप लॉग से कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है आप इसे लॉग से करो, दो मिनट में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिलहाल अभी हमने फॉर्मूला लगाया ताकि आप लोगों को a की पावर x का फॉर्मूला याद रहे। क्या है a की पावर x का फॉर्मूला, a की पावर x log a। अब क्योंकि x की जगह sin x ने ली थी तो हमने उसका डेरिवेटिव दोबारा ले लिया,
ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। सेम देखिए, यहाँ पर तीन तीन चीजें प्रोडक्ट में आ गई। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो बेस्ट यही रहेगा कि हम इसमें प्रोडक्ट टूल लगा दें। चलिए लिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। यहाँ पर भी हमें सेम करना है, यहाँ पर भी हमें लॉग लगाना है, बिकॉज प्रोडक्ट टूल तीन का अभी तो फिलहाल डिफाइंड नहीं है। वैसे तो है, मैंने आपको बताया, बट अगर नहीं है तो क्या करें, लॉग है ना हमारे पास सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, लगा दीजिए लॉग बोथ साइड। तो आ गया लॉग वाई, पूरे पर एक ही लॉग लगेगा, याद रखिएगा। पूरे पर एक ही लॉग लगा दो। अब यह आ गया लॉग वाई। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इनटू है ना इन तीनों के बीच में, प्लस अलग अलग लॉग लगेगा प्लस में। तो यह आ गया लॉग एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस फोर का क्यूब, लॉग एक्स प्लस फाइव का पावर फोर। बस अब डेरिवेटिव ले लीजिए। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, क्योंकि इसने x की जगह ली है तो इसका डेरिवेटिव dy by dx। यहां पर पहले सॉरी एक स्टेप हमें करना चाहिए था पहले, क्योंकि उससे पहले हमारी दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो log a की पावर b क्या होगा, b आपके पास आगे आ जाएगा, राइट। सेम ये b आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, आगे आ जाएगा। सेम यहां पर भी ये 4 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। लॉग की जो भी प्रॉपर्टीज लग रही है पहले वो अप्लाई करनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले a इंटू बी इंटू सी था, तो लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c कर दिया, फिर लॉग a की पावर b वाली प्रॉपर्टी, यानी पावर क्या हो जाएगी आगे, वो वाली प्रॉपर्टी। अब आप डेरिवेटिव लीजिए, तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे, टू एज इट इज। लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन x। अब x की जगह किसने लिया इसने, तो x का डेरिवेटिव वन और थ्री का क्या होता है, जीरो, ठीक है। सेम थ्री एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 4, आप इसका दोबारा लेंगे तो x का 1, 4 का 0, सेम। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 5, और इसका आप दोबारा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1। नाउ dy by dx, ये जो y है ये यहां आ जाएगा पूरे के बाहर, ये आ गया आपके पास 2 अपॉन x प्लस 3, 3 अपॉन x प्लस 4। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को वो कह सकता है कि आप थोड़ा सा पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो फिर ये चीज कर लो, बट कोई इतना भी ज्यादा जरूरी चीज नहीं, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। नाउ वाई की ओरिजिनल वैल्यू जो भी आपके पास स्टार्टिंग में दे रखी थी, ये जरूर पुट करनी है हमने। तो वाई की ओरिजिनल वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, नाउ एक्स प्लस फोर की क्यूब, एक्स प्लस फाइव की पावर फोर, टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर, 4 अपॉन एक्स प्लस 5, राइट। तो बच्चों अगर आप एनसीईआरटी की बात करेंगे तो अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, इनका एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद जो चीजें थी उन्हें काट दी और बचा हुआ पोर्शन आपके पास वहां पर लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, कि मेन काम था डिफ्रेंसिएशन वो हमने कर दिया। थोड़ा बहुत एलजेब्रा अगर लगाना पड़ता तो बिल्कुल, आप चाहें तो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद ये कुछ चीजें कट जाएंगी और न्यूमरेटर आपके पास बच जाएगा, डिनोमिनेटर डेफिनेटली गायब हो जाएगा, राइट। तो आई होप इतना तो चलेगा, इतना तो आप कर सकते हैं। चलिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को कंसेप्ट समझा सकें। चलिए अब यहां पर आ गए फिर से सेम, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, यानी पक्की बात है यहां पर आपको लॉग तो लगाना है। लेकिन मैंने अभी जैसे आपको बताया, अगर आप यहां लॉग लगाएंगे पूरे के ऊपर तो आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, पूरे के पास एक लॉग लगेगा ना, लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी नहीं होता, ये चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस जब दो दो आ जाते हैं तो इसको यू और इसको क्या लेना पड़ेगा, वी। नाउ टेक डेरिवेटिव, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, है ना। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। तो इसको हम पहले लेते हैं u, दैट इज x प्लस वन बाई एक्स की पावर x। नाउ टेक डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो ले ही नहीं सकते, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, पहले क्या लगाना पड़ेगा, log। तो चलिए log अप्लाई कर देते हैं। अब log a अपॉन b क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो वो हमें डेफिनेटली अप्लाई करना है। अब डेरिवेटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, एक्स की जगह यू ने लिया तो ये क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। यहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट टूल, एक्स का डेरिवेटिव वन एज इट इज, राइट, प्लस सेकेंड एज इट इज। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन, पहले हमने इसके अपॉन में लिख दिया,
अब हमें इस पूरे का डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव बच्चों -1 अपॉन x स्क्वायर, ये भी आप याद करके रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा इसका। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x, मैम हमें याद नहीं करना, हमें बताओ कि लॉजिकली कैसे निकाला है। x है उसे पावर ऊपर ले जाओ -1, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे आ जाता है और जो भी पावर है उसमें से एक कम हो जाता है, ये बन गया आपके पास -x की पावर -2। अब इसे पॉजिटिव नीचे ले जाओगे तो -1 अपॉन x स्क्वायर बन जाएगा, नहीं तो आप याद कर लो बेस्ट है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है -2 अपॉन x क्यूब। तो एक पैटर्न है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, जो इसकी पावर है वो नेगेटिव में, देखिएगा 1 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपॉन x क्यूब, यानी जो पावर थी वो या नेगेटिव में आ गई, इसकी पावर बढ़ गई। सेम 1 अपॉन x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो पावर थी वो नेगेटिव और यहाँ पावर बढ़ जाएगी। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपका टाइम थोड़ा सा बचेगा, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर काम डेरिवेटिव का तो हो गया, du by dx हमें निकालना है, तो du by dx यहीं छोड़ा, u वहां जाएगा, आप u की पहले ही वैल्यू पुट कर दो ब्रैकेट के बाहर, अंदर क्या रहा, अंदर ये रहा आपके पास log x plus 1 upon x। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका आप एलसीएम लेके उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो ये x है, हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x square plus 1 upon x, उसका रेसिप्रोकल ले लो, x अपॉन में x square plus 1, इनटू में ये क्या बना आपके पास x square minus 1 upon x square, राइट। दोबारा समझ लो ये वाली चीज एज इट इज, ये u जो था ये इधर आया ना, ये वाला u, इसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा, नाउ ये वाला टर्म एज इट इज, ये x था, ये क्या बनेगा x square plus 1 upon x, इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, ये x ऑलरेडी चल रहा था, ये क्या बनेगा x square minus 1 upon x square, राइट। कुछ कट रहा है, बिल्कुल x square से x square को कट कर दो, आपके पास du by dx जो आ गया वो आ गया x plus 1 upon x की पावर x log x plus 1 upon x, एंड दैट इज x square minus 1 upon x square plus 1। तो ये हमारा अभी du by dx खत्म हुआ है, अब हमें क्या निकालना है dv by dx, तो चलिए dv by dx भी देख लेते हैं। चलिए तो अब हमारे पास v आ गया x की पावर 1 plus 1 upon x, log तो लगाना ही पड़ेगा आपको, तो यहां पर आ गया log v log x 1 plus x, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी बच्चों, log a की पावर b, ये आगे आ गया और यहां पर रह गया log x, ठीक है। अब आप इसका डेरिवेटिव लो, log v का डेरिवेटिव 1 upon v, क्यों, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon x, अब इसका डेरिवेटिv दोबारा लो, कितना आ गया dv by dx, यहां पर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, चलो फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, अभी जो v है ये वहां चला जाएगा dv by dx, v की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया करो, ये देखो ब्रैकेट ये आ गया -log x अपॉन में x स्क्वायर, इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन x 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ज्यादा से ज्यादा वो इन दोनों का एलसीएम लेकर आपको दिखा देगा, ये देखिए 1 अपॉन x को आगे लिख दीजिए, ठीक है ना, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया बच्चों x square 1 minus log x, इस तरीके से आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या आ गया बच्चों आपके पास dv by dx, हमें क्या निकालना था, हमें तो dy by dx निकालना था, तो जो आपने ये du by dx निकाला है ये वाला प्लस ये, दैट इज योर आंसर, इन दोनों को प्लस करके दिखा दो, आपका काम हो गया, आपको यही कहा गया है क्वेश्चन में। चलिए बच्चों फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सेम वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, दो क्वेश्चन दे दिए हमें, क्या करना पड़ेगा इनको u और v लेट करना पड़ेगा, नाउ टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया dy by dx du by dx प्लस dv by dx, नाउ u की वैल्यू कितनी है आपके पास log x की पावर x, यहां पर v भी ले लेते हैं साथ में x की पावर log x, क्या करना पड़ेगा log अप्लाई करना पड़ेगा, कर दो log अप्लाई, log यहां पे भी लगा दिया और यहां पर भी लगा दिया, दोनों साइड log लग गया, ये जो पावर है ये हमेशा क्या होगी आपके पास आगे आ जाएगी, तो x आगे आ गया और ये बन गया log log x, ये एक ही टर्म है बच्चों, अब इसका डेरिवेटिव ले लो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon x मतलब 1 upon u,
क्योंकि इसने x की जगह ली है तो इसका डेरिवेटिव du by dx. Now उसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. फर्स्ट का डेरिवेटिव दिस वन, सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव log x है, ये x की जगह पर है, ठीक है. अब क्योंकि x की जगह पर था तो उसका डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ेगा, 1 अपॉन x. Now सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, ये इससे कट गया, आपके पास आ गया du by dx. Now u आपके पास यहां क्रॉस हो जाएगा तो u की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यहां पर, log x की पावर x. Now ये आपके पास अंदर बच गया log log x प्लस 1 अपॉन log x. तो ये हमारा du by dx जो है वो फिनिश हो गया, राइट. सेम अब dv by dx प्रोसीड करते हैं. बोथ साइड u log लगा दीजिए. Now दिस इज log v. अब जो ये log x है ये आगे आ गया और ये आपके पास एज इट इज, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है. नाउ टेक डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, इसने एक्स की जगह ली है, इसका डेरिवेटिव दोबारा यहां पर लगा दो प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, सेकंड एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ये एज इट इज. बेसिकली ये सेम चीज थी बट हमने आपको इसमें प्रोडक्ट रूल करके दिखा दिया, कुछ और भी कर सकते थे बट मुझे ये सिंपल लगता है तो मैंने बता दिया. वी इधर आ जाएगा, वी की वैल्यू पुट करो और ब्रैकेट में, क्योंकि ये सेम टर्म है तो वी कैन से ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स. ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास डीवी बाई डी एक्स. अब आपने क्या करना है, लास्ट में डीवाई बाई डी एक्स दिस प्लस दिस लिखना है, ठीक है. आपका आंसर फिनिश हो जाएगा और अगर आप पीछे देखेंगे तो फिर घबरा जाएंगे और आपको लगेगा मैम का आंसर गलत है. तो मैं थोड़ा सा बता देती हूं आप लोगों को उन्होंने क्या कर रखा है. इसके बीच में एलसीएम ले लिया, ये देखिए ये आ गया आपके पास लॉग एक्स, और क्योंकि एलसीएम में इसके पास नहीं है तो ये आ गया लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है. और यहां पर था आपके पास लॉग एक्स की पावर एक्स. अब इन दोनों का बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो उन्होंने पावर्स क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी, दैट इज डी यू बाई डी एक्स एक्स माइनस वन. और ये आपके पास आपको नजर आ रहा होगा, सेम यहां पे भी किया उन्होंने, ये एक्स की पावर लॉग एक्स है, ये एक्स की पावर वन है, बेस सेम है, पावर्स क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट. क्या मैम हम यहां छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. डी यू बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स ये जरूर करके दिखाना है कि हमें क्या निकालना है, डीवाई बाई डी एक्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, लेकिन ये तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल नहीं है मैम, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी और वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस में कोई और अगर चल रहा हो हम उसका भी डेरिवेटिव नहीं ले सकते जब तक हम उन्हें अलग अलग सेपरेट ट्रीट ना करें. तो इसको यू ले लेते हैं, इसको वी ले लेते हैं. नाउ यू इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स और वी इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, राइट. चलिए लॉग लगाना पड़ेगा हमें, लॉग लगा दीजिए, लॉग यू ये हो गया लॉग साइन एक्स की पावर एक्स. नाउ दिस इज लॉग यू, ये एक्स आगे आ गया, लॉग साइन एक्स, टेक अ डेरिवेटिव. लॉग यू का डेरिवेटिव वन अपॉन यू. अब तो आपको काफी प्रैक्टिस भी हो गई होगी डी यू बाई डी एक्स. यहां पर आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स का डेरिवेटिव वन, लॉग एक्स साइन एज इट इज प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन साइन एक्स, क्योंकि इसने एक्स की जगह लिया, लॉग एक्स होना चाहिए था ना यहां पर, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा कॉस एक्स, सेकेंड एज इट इज. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ये यू यहां आ जाएगा, यू की वैल्यू रखो और बाकी चीजें ब्रैकेट में डालो, लॉग साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स कॉस अपॉन साइन, क्या हो गया कॉट एक्स. तो ये आ गया हमारा डी यू बाई डी एक्स. बात करें इसकी तो ये डायरेक्ट डेरिवेटिव है डी वी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ रखा है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो ये एक्स बच गया, सेम क्योंकि इसने एक्स की जगह ली है तो इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा लेना पड़ेगा वन अपॉन टू रूट एक्स. अब आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो टू अंदर रखकर दोनों रूट एक ही उसमें ले गए, यानी वन माइनस एक्स इंटू एक्स, वन अपॉन टू ये बन गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, डीवी बाय डीएक्स. आपको क्या निकालना है, यहां पर एक स्टेप मिस हो गया हमसे, सबसे पहले आपको ये लिखना है डीवाई बाय डीएक्स क्या होता है, डीयू बाय डीएक्स प्लस डीवी बाय डीएक्स. तो अब आपको क्या करके दिखाना है, जो डीवाई बाय डीएक्स है उसके लिए पहले आप ये पूरी टर्म लिखेंगे प्लस ये पूरी टर्म लिखेंगे, तब जाके आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट होगा.
तो आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आई हो। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप अपना कीमती समय निकालकर प्लीज एक कमेंट, एक शेयर या आप जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं वही हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।